हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 2 नवंबर और आज होता है गुरु रिम्पोछे जी का जन्मदिन, जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही पूजनीय है। तो उसके लिए आज जो है जंगी गांव में एक सेलिब्रेशन रखा हुआ है। तो वहाँ पे आज छोंगरे मुचे जी आए हैं, उनके स्वागत में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ पे कार्यक्रम है और वहाँ पे फंक्शन रखा हुआ है। तो मेरे गांव से भी लोग आए हुए हैं जो वहाँ पे फोक डांस वगैरह करेंगे। तो उसमें मेरी मम्मी भी है, तो मेरी मम्मी डांस करेंगे। यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा जाके जंगी में देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पसंग। पसंग। वो बाकी भैया भी आए हुए। अच्छा, जो उस दिन कच्चा बादाम कर रहे थे हमारे साथ। हाँ, जो छोंगरी मुची जी हैं वो कुल्लू में रहते हैं, उनका वहाँ मॉनेस्ट्री है बुंतर में, लेकिन छोकर नाम है उनका। और जो वहाँ के जो सारे लामा लोग हैं वो भी आए हुए हैं आज मुझे मिले। हम लोग पहुँच चुके हैं जंगी में। नहीं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत खुला नहीं लग रहा है, सेक्सी लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। तू चल, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि रास्ता कहाँ से है। तो सामने से एक आंटी आ रही है, उनसे पूछते हैं कि नीचे जाने का रास्ता कहाँ से। आंटी, वो जाने का रास्ता कहाँ से गोम्पा का? अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जी, ओके, थैंक यू आंटी। तो जैसे ही हम लोग गुम्बा के यहाँ पहुँचे तो बाहर ही हमको नाने वगैरह मिल गए। और मैंने उनसे पूछा कि मम्मी कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला कि मम्मी जो है वो अंदर डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है अभी फोक डांस परफॉर्मेंस है, तो उसकी वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं सोचा अंदर जाके मिल लेती हूँ मम्मी से और बाकी नाने वगैरह से। नाने वगैरह हैं, वो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में जो है फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। नीचे लामा लोग वगैरह बैठे हुए हैं। तो सेलिब्रेशन का जो अरेंजमेंट है वो संतंग में किया गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं संतंग। आ गया आप लोग सब। संतंग पहुंच के सबसे पहले मैं जाती हूँ छोंगरे रिम्पोछे जी से आशीर्वाद लेने, उसके बाद मैं सुमंग रिम्पोछे से भी आशीर्वाद लूंगी। छोंगरे रिम्पोछे के आसन ग्रहण करने के बाद अब यहाँ पे जो है फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो फोक डांस लेके आए हुए हैं नाको गांव से और किसंग गांव से और जो लाबरंग गांव से सिंगी छम बोलते हैं, जो वो होएगा। ये है नागों के कलाकार आपके सामने, सुंदर लोग इतने प्रस्तुत करने के लिए हमारे सीमा से लगे नाको गांव की ओर से ये लोग इतने प्रस्तुत। हरे च
इतिहास में नागो गांव की तरफ से पहली प्रस्तुति थी और जो बहुत मनमोहक रहा। आप सबको धन्यवाद जंगी गांव की ओर से और डिपॉजिट की ओर की ओर से। Thank you.
अभी जो नाने और जो भाभी हैं वो चुंगा रिम्पोछे जी को आग्रह करने आए हैं कि वो भी उनके साथ आके डांस का एक चक्कर लगाएं। बोले
तो फर्स्ट टाइम चुंगरमुची जी भी यहाँ पे कायंग लगा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले कभी नहीं लगाया। सबको सूचित किया जाता है कि कल 11 बजे कर्पूर रिपोर्टर जी 15 बजे का वॉक देंगे, कल सुबह 11 बजे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अब चुंगरमुची जी वापस जा रहे हैं, एंड इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।